नमस्कार, मैं हूँ साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं एरियल न्यूज। एक 47 वर्षीय महिला के परिवार ने अपने दोपहिया वाहन को तेज रफ्तार BMW कार की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसने डिवाइडर को भी तोड़ दिया। आज उसे ब्रेन डेड घोषित किए जाने के बाद उसके अंगों को दान करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि 9 अप्रैल को प्रीति मनोज कुंडरोली मंदिर के दर्शन कर घर लौट रही थी, जब एक तेज रफ्तार BMW MG रोड पर व्यस्त वल्लाल बाग जंक्शन के पास डिवाइडर से कूद गई और उसके दोपहिया वाहन से टकरा गई। आपको बता दें कि परिवार की सहमति के बाद जीव सार्थकर के प्रोटोकॉल के अनुसार उसके अंगों की कटाई करने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि डॉक्टर 3 अंगों को पुनः प्राप्त कर सकें, जबकि लीवर को एस्टर CMI अस्पताल बेंगलुरु भेजा गया था। उसकी किडनी को जिले के 2 निजी अस्पतालों में भेजा गया था। इसी के साथ आपको बता दें कि इंटीरियर डिजाइनर और तेज रफ्तार BMW के ड्राइवर 30 वर्षीय श्रवण कुमार को घटना के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। आज की खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एरियल न्यूज़। धन्यवाद।